CAA, NPR और NRC का विरोध कर रही राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों का जमावड़ा रविवार 2 फरवरी को इंदौर के महालक्ष्मी नगर ग्राउंड पर लगा, जहां आयोजित हुई संविधान सभा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कलाकार स्वरा भास्कर व मेधा पाटकर शामिल हुई। यह नजारा है इंदौर शहर का, जहां भगत सिंह दीवाने ब्रिगेड सहित अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने प्रदर्शनकारियों को संविधान का पाठ पढ़ाया और उन्हें NRC के दुष्परिणाम बताए और NRC में कागज नहीं दिखाएंगे की अपील की। आयोजन में शामिल होने मुंबई से आई इंदौर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने इस कानून की मंच पर जमकर धज्जियां उड़ाई। स्वरा ने साफ शब्दों में कहा कि यह काला कानून है जो देश को पाट रहा है। उन्होंने कहा, नौजवान नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं, आर्थिक आपातकाल आया हुआ है, हर तरफ बेरोजगारी का संकट है, बजट आते ही शेयर बाजार धड़ाम से गिर जाता है, तो फिर सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए, यह नागरिकता की बात करनी चाहिए। स्वरा भास्कर यही नहीं रुकी, उन्होंने आरक्षित पर भी जमकर हल्ला बोला है। आपको किसी बॉलीवुड की अभिनेत्री की जरूरत नहीं है, आपको किसी नेता की जरूरत नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं किसी का अनादर निरादर नहीं करना चाहती, लेकिन आपको हमारी जरूरत नहीं है, आप खुद में काफी हैं, क्योंकि हमारा संविधान आपके दिल में जिंदा है और आपने, इस देश के छात्रों ने, इस देश के महिलाओं ने और इस देश के शांतिपूर्ण विरोधियों ने ये साबित किया है कि हमारा संविधान, हमारा तिरंगा, गांधी जी का सपना और हमारे संविधान की जो मूल और आदर्श है वो हमारे अंदर जिंदा है और जब तक वो जिंदा है हम इन सड़कों पर हैं। राहत इंदौरी साहब की एक और बहुत कमाल की लाइन थी कि सभी का लहू शामिल है इस धरती में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। बिल्कुल सही, किसी एक शख्स के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान हम सबके बाप का है, हम सबकी माओ का है, हम सबके दादाओं, नानाओं, नानियों, दादियों, खालाएं, चाचियां, हम सबका है। और नागपुर में बैठा कोई चड्डीधारी इस देश में नागरिकता नहीं देगा। इस देश की नागरिकता हमें हमारी मिट्टी ने दी है, हमें हमारे संविधान ने दी है, हमें हमारी रगों में बहते हुए खून ने दी है, आप चाह कर भी नहीं छीन सकते हमसे। हजार जुल्म की टक्कर में और CAA की टक्कर में और NRC की टक्कर में और NPR की टक्कर में और फासीवाद की टक्कर में और संघवाद की टक्कर में तानाशाह आकर जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तानाशाह आकर जाएंगे, वो नए कानून बनाएंगे, वो झूठी बात बताएंगे, वो चिकना पाठ पढ़ाएंगे, वो 144 लगाएंगे, वो लाठी चार्ज कराएंगे, वो आंसू गैस चलाएंगे। और यही एक सपूत है कैलाश विजयवर्गीय साहब, भाई एक बात बताइए मुझे, आजीवन जो आदमी पोहा जलेबी खा के बड़ा हुआ हो और उसे फिर पोहा बांग्लादेशी लगने लगे तो उससे क्या पूछिएगा आप? यही पूछिएगा ना आप कि अंकल क्या फूंक रहे हो, यही पूछेंगे। और मेरी सिंपल सा तर्क है कि अगर पोहा बांग्लादेशी है तो जो आदमी आजीवन पोहा खा के बड़ा हुआ है वो भी बांग्लादेशी हुआ। दिखाओ अपने कागज, दिखाओ अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के कागज, और नहीं है कागज तो आप जाओगे नागरिकता की सूची से बाहर। हम पर ये इम्तिहान लागू करने से पहले इस सरकार के सारे नेता दिखाए अपने कागज, हमें दिखाओ अपने कागज। आपने हमसे जो मांगा हमने दिया आपको, हमने आपको अपने पंजे के निशान दे दिए आधार कार्ड में, अब आप दिखाओगे हमें अपने कागज।
गौरतलब है कि इस आयोजन के सूत्रधार आनंद मोहन माथुर के साथ ही दिग्विजय सिंह ने भी मंच से कहा कि एनआरसी में वह कागज नहीं दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए ऐसा है कि मेरी ये बड़ी इच्छा थी कि मध्य प्रदेश में कहीं तो एक बहुत बड़ा आयोजन हो जिसमें सब लोग शरीक हों, और जो ये आपका पॉपुलेशन रजिस्टर है, आपका सीआरपी है, आपका सीए है, इस सब का पुरजोर विरोध किया जाए और उसमें सब धर्म के लोग, सब जात के लोग शरीक हों। ये जो मेरा प्रयास था, मुझे लगता है कुछ हद तक सफल हो गया। आज वही घोषणा हुई है। ये समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश के लिए एक संदेश होगा। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए शादी नहीं करने के बयान पर कहा कि मोदी जी ने शादी तो की लेकिन पत्नी को छोड़कर चले गए। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। सर, कैलाश विजयवर्गीय ने आज ये कहा है कि मोदी जी अभी भाई देशभक्ति के नशे में है, मोदी जी इतने देशभक्ति के नशे में कि वो शादी करना भूल गए। शादी तो की थी, छोड़ के चले आए। शादी तो की थी, छोड़ के चले आए। शादी तो की थी, छोड़ के चले आए। भैया, मैं सिटीजन नहीं हूँ और मैंने आपको वोट दिया है तो आप गवर्नमेंट कैसे हैं? मैं नॉन सिटीजन होके आपको मैं वोट दे सकती हूँ क्या? तो आप फर्जी गवर्नमेंट है, आप ये लॉ कैसा बना सकते हैं? आंदोलन का सरकारों पर, राजनीतिक दलों पर बड़ा असर आया है। आप देखिए कितने सारे राजनीतिक दलों ने अब सीएए, एनपीआर और एनआरसी को नकारा है, पर हम चाहते हैं कि वो कुछ कदम आगे बढ़े। हर राजनीतिक दल जो इसका विरोध करते हैं, उन्होंने ये घोषित करना चाहिए कि हमारा कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी एनपीआर या एनआरसी की प्रोसेस में शामिल नहीं होगा। और जो संघात्मक राज्य शासन की यंत्रणा है उसका सम्मान करते हुए उन्होंने अपने विधानसभा में ही नहीं, जहाँ जहाँ उनका शासन है उस जिले स्तर पर प्रस्ताव पारित करने चाहिए। और हम तो जो आज़ादी का अर्थ समझते हैं वो केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं, वो सामाजिक और आर्थिक आज़ादी जो हमको गांव में चाहिए, जो हमें मोहल्ले में चाहिए, जो आज महिलाओं को मिली है वो हमारे हर महिला भाई और बच्चे को भी चाहिए। चालू होगी प्रक्रिया अप्रैल में, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुण्यतिथि 22 फरवरी को हम सब लोगों ने उपवास करना चाहिए और मार्च महीने से, भले 23 मार्च का दिन चुने हम लोग, जो भगत सिंह का भी है, जो लोहिया का भी है, और इस 1 अप्रैल से चालू होने वाले प्रक्रिया के सामने सत्याग्रही बनकर हम पेश आए। उन्होंने स्थिति वैसे तो भूमिका स्पष्ट की, एक दिन का धरना भी दिया, लेकिन अब वो जैसे राजस्थान की सरकार ने किया है, जैसे बंगाल में किया, सबसे पहले केरल ने किया, तो विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना जरूरी है ताकि उनके मतदाताओं को ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी, दलित, तमाम किसान, मजदूर, मुसलमान नागरिकों को भरोसा मिले। और उन्होंने ये जाहिर करना चाहिए कि हम सहभागी नहीं होंगे इस प्रक्रिया में, हमारे धरती पर करने नहीं देंगे, जैसे ममता बनर्जी ने किया है बंगाल में।